आज की मुरली में तो पूछने कर रही थी तो बात ही खलास कर दी बाबा। स्त्रियों के समय में क्या क्या कल दृष्टि लेते समय प्यार करना चाहिए है? आर्थिक मासूम को देखता है तो उसकी बुद्धि में ख्याल चलता है क्या है? देखता है तो देखता ही रह जाता है। दृष्टि लेते समय सारी दुनियादारी भूल जाना चाहिए या याद आना चाहिए? भूल जाना चाहिए। एक बाबा तीन पैर पृथ्वी का मतलब क्या है? पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले। तीन पैर पृथ्वी का मतलब यह है कि सोने के लिए, बैठने के लिए, रहने के लिए और से काम कितनी जगह चाहिए? आदमी का पाँव ज्यादा से ज्यादा एक फुट होता हो, इससे ज्यादा बड़ा तो होता नहीं, तो तीन पाँव में कितना फुट हुआ? तीन फुट। तीन फुट में चार पाई कितनी लंबी चौड़ी होती है? अच्छा ट्रेन में रिजर्वेशन होता है तो कितना लंबा चौड़ा होता है? तीन फुट से ज्यादा ही होता है ना चौड़ाई? तो बोला तीन पैर पृथ्वी ऐसी चाहिए जिसमें कोई किसी को इंटरफियर न कर सके। क्या पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले? पांडवों में मुख्य पांडव कौन है? धर्मराज। तो जहां भी धर्मराज पार्ट बजा रहा होगा उसको तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले है? नहीं मिले? मिले, ऐसे मिले जहां बैठ करके आराम से पढ़ाई पढ़ा सके, कोई उसको अरेस्ट न करे, कोई उसके ऊपर चोर गुंडे न लगाए। नहीं मिला क्यों? जो बाप जो लोक बाप का घर है वो तो उसमें तो कोई इंटरफियर नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता ना क्या? तीन पैर पृथ्वी ऐसी मिले जिसमें स्वतंत्र हो करके जो चाहे वो ईश्वरीय वाणी सच्चाई से सुना करे, कोई तो उसके ऊपर उंगली उठाने का हक न रहे। ऐसी तीन पैर पृथ्वी मिली है अभी है? मिली है? नहीं मिली। 76 में जब एडवांस ज्ञान शुरू हुआ दिल्ली के, तो एडवांस ज्ञान की ढेर सारी गीता पाठशालाएं खुली जमुना के कंठे पर। बुलाते थे हमारे यहाँ क्लास हो, हमारे यहाँ क्लास हो, थोड़े दिन के बाद आप जोड़ देते थे बस हम इतना ही कर पाएंगे, अब इससे ज्यादा हम सहयोग नहीं कर पाएंगे। तो तीन पैर पृथ्वी मिली गीता पाठशाला में, फिर खड़ा, फिर दूसरी गीता पाठशाला उनका भी यही हाल, तीसरी गीता पाठशाला उनका भी यही हाल। तो स्वतंत्र रूप से तीन पैर पृथ्वी मिली ये कहा जाएगा
मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। और अभी भी? अभी भी तीन पैर पृथ्वी मिली या नहीं मिली? मिली है? मेरा मिनी मन और मन के बड़े बड़े चोरी ग्रहण करता है। ये जलते की चोट से रह सकते। अरे तीन पैर पृथ्वी मिले माना ऐसा स्थान मिले भले थोड़ा मिले लेकिन स्वतंत्र रूप से वाणी चला सके, कोई इंटरफियर करने का किसी को कोई हक न रहे। तो गायन है कि पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले। वो कब का गायन है? संगम युग में अब का गायन है। वो तो एक दो आत्माओं को देखा जा सकता है, जैसे रविंद्र भाई दो बार अरेस्ट हो गए, वो इसलिए अरेस्ट हो गए क्योंकि थोड़ी हेकड़ी दिखाई। बाबा ने कहा कि तुम यहाँ यहाँ से हट जाओ। कहाँ? कंपिल से हट जाओ, अभी मामला नाजुक हो रहा है। कहा हम किसी नहीं डरते, नेपाल को आसाम की पार्टी आई हुई है, हम बंगाल बांग्लादेश की पार्टी आई हुई है, जाएगी तब हम जाएंगे, अभी नहीं हटेंगे। और उसी रात पुलिस आ गई और एक कर दिले। अगर गुप्त रहते तो ये रिजल्ट नहीं आता। तो पांडवों को गुप्त रहने में फायदा है या प्रत्यक्ष रहने में फायदा है? गुप्त रहने में फायदा। दुनिया की सारी दुश्मन बनी और सारी दुनिया आगे पीछे सुसुम बननी ही है क्या? आज एक पांडव की बनेगी, कल दूसरे पांडव की सुसुम बनेगी। दुनिया छोड़ने वाली किसी को नहीं है। एक सत्यखंड की स्थापना ऐसे साधारण रूप से नहीं हो जाएगी। नहीं तो कहते हैं अरे भगवान है, उसको छुपने की क्या दरकार? भाला भाला क्यों फेंकता है? अरे कंकर ही भगवान नहीं थे क्या? थे कि नहीं थे? कंकर भगवान थे। तो कंकर जी भस्मासुर के डर से सारे दुनिया में भागे वाले क्यों फिरे? भागे वाले फिरे ही नहीं फिरे? फिरे सच में भगवान कहा जाता है। कंस के डर से गाँव वालों में भागे वाले मिले नहीं मिले? हैं? तीन पैर पृथ्वी के मिले नहीं मिले ना? तो प्रश्न तो बहुत बढ़िया है। पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के नहीं मिले, ये संगम युग की बात है। और जिनको तीन पैर पृथ्वी के मिले हुए हैं क्या फंस कैसे रहते हैं? गुप्त रहने की उनको कोई दरकार नहीं है। वो अभी पांडव नहीं है 100% क्या कौरव प्रत्यक्ष थे, यादव प्रत्यक्ष होकर के रहते थे और पांडव गुप्त होकर के। और चार घोड़ों की गाड़ी गाई जाती है मुरली में, बोला है कि नहीं? बंगाल में पहले पहले चार घोड़ों की गाड़ी चलती थी। तो बाबा को ये बात बताने की क्या दरकार है?
रथ हुआ और रथ के चार आत्मा रूपी मन बुद्धि रूपी घोड़े हुए, उनसे गाली जल्दी दिए थे। जो आदि में वो अंत में, चार घोड़े कौन से, चार दिशाएं, चार दिशाओं में चार घोड़े। राम की चार भाई दिखाई दिए शास्त्रों, ब्रह्मा की चार मानस पुत्र दिखाई दिए, वैसे उन्होंने यज्ञ में यज्ञ किया तो पूर्व दिशा में एक भाई गया, उत्तर में एक भाई गया, दक्षिण में एक भाई गया, पश्चिम में चौथा भाई गया। ऐसे करके ये अश्वमेध यज्ञ किया, विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की। तो चार धर्मों की चार विरूप आत्माओं की बात है, और क्या बड़ी बात होगी, अरे सारी जिंदगी में एक बात चले गई तो क्या बड़ी बात होगी। अरे नेता लोग हैं, एक दिन में जब इलेक्शन होते हैं तो एक दिन में कितनी जगह भाषण देते हैं, नेता लोग, बड़े बड़े नेता हैं लोग, जब इलेक्शन होते हैं ना, बड़े बड़े इलेक्शन एमपी एमएलए के इलेक्शन होते हैं ना, तो जो प्रधानमंत्री वाला नेता होता है वो कितनी जगह वो होके जाता है हेलीकॉप्टर से, आधा घंटा भी भाषण देगा तो लोग प्रभावित हो जाते हैं। तो एक दिन में कितनी जगह जाता होगा, उनको क्या बड़ी बात, एक ही दिन में सारी इंडिया में जाए छह आठ जगह जाना तो मामूली बात हो जाती। तो ये तो इसका पार्ट है, ये तो विश्व पिता का पार्ट है, गीता पाठ वाला नाम ही कब पड़ता है, जब गीता पति भगवान ने आकर के पढ़ाई पढ़ाई तभी तो गीता पाठशाला कही जाएगी। गीता भी नहीं हो, गीता पति भगवान पढ़ाने वाला भी नहीं हो तो गीता पाठशाला कहेगी। अष्टदेव और ग्रह, नौ ग्रहों में एक ग्रह उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको हटा दिया जाता है, बाकी आठ ग्रह है वो जड़त्वमयी बुद्धि वाले, और उनमें प्रवेश करने वाली जो आत्मा है वो चैतन्य है, सत्चित्त आनंद रूप डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्शन वाली है, उन्हें कहा जाता है अष्टदेव। क्या वो देने वाले हैं, किनको किनको देने वाले हैं, ग्रहों को, इसलिए वो देव हैं। क्या देते हैं,
ईश्वर के साथ रहते हैं तो क्या कैसे होंगे? ईश्वरीय प्रॉपर्टी कैसे होंगे? इसलिए वो देव है और वो ग्रह है, उनका दिया हुआ जो ज्ञान है, जो गुण है, जो शक्तियां है, उनको विशेष रूप से वो ग्रह धारण करते हैं। बाप से डायरेक्ट नहीं धारण कर पाते कौन ग्रह धारण करने में नंबर वार है, इसलिए फिर किससे लेते हैं? अगर भगवान से ले पाते तो देवताओं से लेने की क्या दरकार? अस्त देवों ने लिया भगवान बाप से, चूके नहीं, महत्व को समझा। क्या महत्व को समझा? भगवान बाप पढ़ाते और उन ग्रहों ने नंबर वार नहीं समझा। अस देवों ने समझा, तो जिन्होंने समझा, जाना, माना, धारण किया, वो फिर दूसरों को देने वाले बन जाते हैं। तो नंबर वार देने वाले होंगे या एक दिन से देने वाले होंगे? नंबर वार देने वाले। और लेने वाले भी कैसे होंगे? नंबर वार होंगे। हाँ जी, फिर वो साफ दिखना काम होता है, साफ दिख, हाँ साफ करता है, आत्मा का नाम में क्या करता है, तो उनका डर है। क्यों तो राक्षस भी होगा? जो राहु होगा, जो दुष्ट होगा, कल्याणकारी होगा, वही होगा ना। और शनिचर देवता से भी ज्यादा खराब होगा। शनिचर की दशा ज्यादा खराब होती है या राहु की दशा ज्यादा खराब होती है? राहु की दशा बहुत खराब होती है। इसके ऊपर शनिचर की दशा है, सार काफी बढ़िया चली हुई है। और बाबा मंदिरों में नौकर रखते हैं, वो नौकर कोई सूर्य को नहीं देखते, सूर्य का कोई नहीं देखते, बाहर देख रहे थे, बीच में तो सूरज का तो प्रतिमा रखते हैं, और नौ ग्रह रहते हैं ना, तो ये सभी नौ ग्रह तो बाहर देखते हैं, तो सूरज को नहीं देखते। वो अगर सूरज को, ज्ञान सूर्य को अगर उन्होंने देखा होता तो फिर उन्हें मनुष्य से देवता बनने वालों से लेने की क्या दरकार है? वो देवताओं से लेते हैं या ज्ञान सूर्य से लेते हैं? ज्ञान सूर्य को पूरा पहचान नहीं मिल पाते, बाहर की दुनिया में बुद्धि लटकी हुई है, ग्रहों में सूर्य को और चंद्र को क्यों मिलाया? मिलाया मिलाया बाबा, नौ ग्रह में सूर्य और चंद्र भी होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, सूर्य तो कोई लेने वाला नहीं है ना, सबको लेना। जो सूर्य है वो पिता है सबका। क्या? सूर्य जो है वो सबको रोशनी बराबर देने वाला है, एक जैसी ज्ञान की रोशनी देता है। ये असुर है, ये देव आत्मा है, ऐसा कोई फर्क नहीं करता।
लेकिन वो ज्ञान सूर्य जो है वो स्वयं ज्योति बिंदु है, सदाशिव है, वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता है। इसलिए वो जिसमें प्रवेश करता है उसके द्वारा होता है। जो नवग्रह है उनमें पहला ग्रह जरूर बहुत महत्व वाला होगा, विश्व कल्याणकारी होगा। बाकी जो दूसरे ग्रह हैं वो विश्व कल्याणकारी नहीं हो सकते, उनका पार्ट विश्व कल्याणकारी नहीं हो सकता। वही अंत में जो आदमी होंगे जो अंत में नहीं होंगे, ये क्या बात है? बहुत लोग आएंगे से 300-400 रहेंगे। जो हिंदी जानने वाला हो अच्छी तो बोलो। क्यों नहीं होगी? चार सौ थे वो बेसिक नॉलेज वाले थे या एडवांस वाले थे? वो अंत में नहीं होंगे, वो प्रवेश करके पार्ट नहीं बनाएंगे क्या? बच्चों में प्रवेश करके पार्ट में जाते हैं पूरा हुआ उसके पहले सूक्ष्म शरीर से पार्ट में जाते विद्यापिता में जो पार्ट में जाते हैं वो बिंदु रूप में पार्ट में जाते हैं, और बच्चों में सूक्ष्म शरीर से भी पार्ट में जाते हैं तो बिंदु रूप में भी पार्ट में जाते हैं। जो बीज रूप पार्ट में एडवांस पार्ट की है उनमें प्रवेश करते हैं, उनका संचरण ले जाते और बच्चों में प्रवेश करके पार्ट में जाते तो सूक्ष्म शरीर से भी पार्ट में जाते। बात तो पीपल के पत्ते पर विराजमान हो जाती है ना, तो वो गर्भ महल में आती है या गर्भ जेल में रहती है? तो गर्भ महल में आ जाती है। छोटा बच्चा है, बड़ा नहीं है, बच्चा बुद्धि है, फिर भी जोर से बोलो नवलाख आत्माएं होंगे, नवलाख आत्माएं साकार में होंगे, उसमें राधा कृष्णा भी होंगे। जो जन्म लेने वाले होंगे वो भी होंगे और जन्म देने वाले होंगे वो भी होंगे। 4.5 लाख जन्म लेने वाले, 4.5 लाख जन्म देने वाले, दोनों मिला के 9 लाख आबादी टोटल हो जाएगी। दुनिया नहीं देखती है उनको, दुनिया कैसे देखेगी? दुनिया समझेगी, जानेगी यहाँ पैराडाइज है, जन्नत है। अगर संगम युग में दूसरे धर्म के लोगों ने न देखा, न समझा होता, न जाना होता तो उनके शास्त्रों में कहाँ से लिखा हुआ है? जन्नत की बातें लिखी हुई है, पैराडाइज की बातें लिखी हुई है, वो कहाँ की बातें उनकी स्मृति में आ गई? संगम युग की बातें हैं जो उनकी स्मृति में आती है और मानते हैं। ये भाई पूरी कहते थे और पूरी सीढ़ियाँ सुनता नहीं है, इसलिए कोई भी बातें बार बार पूछते है। बोलने में बोला है
कृष्ण है जो जो मंदिर बनाते हैं उसका नाम क्या रखते हैं? हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा। तो क्राइस्ट का जो घर है वो सरसब्ज हो जाएगा। क्या क्राइस्ट जो है उसको मानते हैं साकार में, और भगवान को साकार में नहीं मानते कि वो भगवान आकर के घर बनाता है। वास्तव में कलयुग के अंत में और सतयुग के आदि में जब भगवान आता है तो घर बनाने की शूटिंग करता है। घर किसे कहा जाएगा? ईंटों की चार दीवारी को घर कहा जाता है, या जो विशेष सहयोगिनी शक्ति होती है सहयोग करने के लिए चुनी जाती है उसको घर कहा जाता है। ग्रहणी ही ग्रहण उच्यते। क्या जो ईंटों का घर है उसे घर नहीं कहा जाता है, घरवाली को ही घर कहा जाता है। तो भगवान भी जब आते हैं तो पहले पहले जिस शक्ति को सहयोगिनी के रूप में सहयोगी बनाते हैं उस घर को वो क्राइस्ट की बीज रूप आत्मा उसको नीचे गिराई देती। वो घर गिर जाकर तो जो भगवान के घर को नीचे गिराने के निमित्त बनेगा उसका घर से कौन गिराएगा? अरे जिसमें इतनी ताकत है कि भगवान के बने बनाए घर को गिरा सकता है तो उसके घर को कौन गिराएगा? भगवान के। तो सीढ़ी के चित्र में वो तीसरी घरवाली नहीं दिखाई गई। चार कुमार और तीन कुमारियां दिखाई गई। जो नहीं दिखाई गई है उसका नाम भक्ति मार्ग में पड़ जाता है गिरजा घर। हे भगवान के बने बनाए घर तू गिर जा, ये संकल्प चलाया तो गिर जाएगा। बनिए दूसरों के लिए कुआं खोदते हैं तो खुद ही गिरते हैं। एक पाँव नहीं है। तो पुरुषार्थ की दौड़ में कैसे दौड़ेगा? जब पाँव नहीं होगा तो पुरुषार्थ की रेस में दौड़ सकेगा कि बार बार नीचे गिरेगा? और बारह सौ पचास वर्ष में सतयुग में आठ गतियां होती हैं। तो क्या हुआ? डेढ़ सौ वर्ष में एक गति। हाँ बारह सौ पचास
वो तो एवरेज एज है, वो कोई एक्यूरेट एज थोड़ी, बताइए एवरेज का मतलब औसत, ज्यादा भी हो सकती है कहीं कम भी हो सकती है, एवरेज बताइए। जैसे आज की दुनिया में आज भारतवासियों की एवरेज एज 30 दिखाई जाती है, तो इसका मतलब सभी भारतवासी 30 साल जिंदा रहते हैं क्या? कोई 30 साल भी जिंदा रहते हैं, कोई पेट में भर जाते हैं, कोई 100 साल भी जिंदा रहते हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो एवरेज निकाला जाए तो 30 साल उम्र रह गई अब ऐसी बात है। छोड़ देता है सभी उम्रों का, वो आपका क्या करेंगे उसको सही नहीं मिलेगी ना, पूरा जिंदगी पूरी जिंदगी छोड़ेगी जब तक उनके पाप कर्म पूरे, हाँ पूरे जो पाप कर्म हैं वो और ज्यादा न बढ़े। ऐसी आत्माएं जो अकाल मौत में शरीर छोड़ती हैं वो बहुत पापी होती हैं, पाप करने के कारण उनके पाप ज्यादा न बढ़े, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। तो भटकते भटकते उनका जब टाइम पूरा हो जाता है तो जाके जन्म मिल जाती है, वो भी वहां से उनमें ताकत नहीं होती है, अभी यहाँ प्रवेश कर रहे हैं अभी जाए तो अमेरिका में बैठे आज क्यों प्रवेश कर रहे हैं? अरे वो आत्मा में ताकत नहीं है क्या? इतनी दौड़ने की ताकत नहीं है, भूत प्रेत तो कहीं भी प्रवेश कर सकते हैं। नौला से सारे चमकते है ना, है तो कितना रहते हैं? 4.5 लाख है, 9 लाख कैसे चमके? जो जो प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं वो प्रवेश करने वाली आत्मा बोलती नहीं है कभी, प्रवेश करके बोल नहीं सकती, बोल सकती है ना, दृष्टि से बोल तो नहीं दे सकती, दे सकती है ना, अपने संग का रंग किसी को नहीं लगा सकती है ना, तो क्या बात? वो तो ज्ञान की चमक है, ज्ञान नहीं लगा सकती चमक, कोई भूल चमक या ज्ञान की चमक? ज्ञान की चमक कहते हैं। नौलाख सितारे भले ही फूल रूप में उनका अपना शरीर नहीं है, फिर भी दूसरे के शरीर में प्रवेश करके वो आत्माएं ज्ञान की चमक मारती है, तो देहधारी की ज्ञान की चमक अलग होगी और प्रवेश करने वाली आत्मा की ज्ञान की चमक अलग प्रकार की होगी। बाबा एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं ना, अभी ऑटिज्म है ना, काम मृत्यु का, वो आत्मा ही है जीवित हो रहे, दूसरी शरीर में दूसरी आत्मा में प्रवेश करते हैं, मुद्दा में नहीं प्रवेश करते हैं, इसलिए सारा शरीर रहता है ना, उनका हिसाब किताब आत्माओं के साथ है, लेकिन मुर्दे में कोई आत्मा है? मुर्दे में कोई आत्मा है क्या? कीड़े मकड़ों की आत्मा तो होगी, लेकिन उनका हिसाब किताब मनुष्य आत्माओं के साथ है या मुर्दे में प्रवेश करके कीड़े मकड़ों के साथ हिसाब किताब बनाएंगे? तो मनुष्य आत्माओं के साथ ना, तो जो मनुष्य आत्मा है जिनका जीवित रूप में है उन्हीं में प्रवेश करके वो अपना हिसाब किताब पूरा करती। अभी कोयम्बटूर का कोई भाई पार्टी में गया कंपिल में, और वहाँ
जाकर के उसमें पूजा अर्चना करें कर ले। अभी तांत्रिकों की दुनिया है क्या, भूत प्रेतों की पूजा करने वालों की दुनिया है अभी तो कोई भूत प्रेतों की पूजा करने वालों ने कोई आत्मा को वहां भेज दिया, वो आत्मा उसमें प्रवेश करके उसकी बुद्धि को घुमाने लगी, वो भागना शुरू करने लगी, उसको पकड़ के बार बार बैठाया गया, सवेरे को थोड़ा ध्यान नहीं रहा किसी को, सब मुरली सुनने में लगे रहे, वो तीन मंजिल से सड़क के ऊपर कूद गई। अभी एक दो सप्ताह की बात है, गांव वालों ने चारों तरफ से इकट्ठे होकर के हुजूम शोरगुल करना शुरू कर दिया, आश्रम वालों ने कर दिया, किसी आदमी को ऊपर से नीचे फेंक दिए, सड़क के ऊपर, पुलिस के पास चलो जल्दी से इतला दे दे, आदमी छटपटा रहा है मर रहा है। तो पूजन का हिसाब किताब है ना, उसकी दोनों टांगे टूट गई। वो आत्मा ने पूर्व के त्रेतर जन्मों का, वो त्रेतर जन्मों का कोई ना कोई हिसाब है कैसे पूरा करती, तो उसमें प्रवेश करके अपना हिसाब किताब तूने मेरी टांगे छोड़ी तो मैं तेरी टांगे थोड़ी छोड़ दूंगा। अब वो तांत्रिक ये समझते हैं कि हमने ऐसा करा है, उनको ये अहंकार है, तांत्रिकों को पैसा देने वाले वो ये समझते हैं हमने ऐसा कराया, हम बड़े बलवान, सारा समाचार तो वहां पहुंच ही जाता है, हैं? उसके रोड पर कूदने से चार छह दिन पहले पुलिस आई 40-50 और आश्रम में दरवाजे अरवाजे तोड़ ताड़ के अंदर घुस करके और कन्याओं को मारपीट करके और चली गई। ऐसे माहौल में गाँव वालों को भी मौका मिल गया, देखो ऊपर से आदमी को नीचे फेंक दिया, ये लोग कितने खतरनाक हैं, चलो पुलिस को पता चल गया। तो हमला करने वाले हमला कर रहे हैं और बचाने वाला बचा रहा है, वो भाई अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कैसे याद करें, ये प्रश्न उनको पैदा होता है जो त्रेसठ जन्म साथ साथ नहीं रहे और जो लगातार त्रेसठ जन्म साथ साथ रहे हैं उनको ये सवाल पैदा नहीं होगा क्या, अरे 8 घंटे से छोड़ो याद भूले कैसे, उनकी ये समस्या होगी क्या, ये याद पीछे पड़ गई, ये छूटती नहीं, ये कैसे भूले, ये समस्या हो जाएगी। उसका
तत्वों को प्रकृति कहा जाता है। पांच तत्वों का श्रेष्ठ पुतला मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर को कंट्रोल करने का साइंस ने बहुत कुछ काम कर लिया है, लेकिन उसने जान डालने का काम नहीं कर पाया। यह है पराशक्ति। क्या मनुष्यों के बच की बात नहीं है कि आत्माओं को चला सके। इसलिए बड़ा बुरा ट्रायंगल है, वहां बड़े बड़े जहाज जाने से डरते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज ऊपर से गुजरते नहीं है। तो साइंस ने उस स्थान को कंट्रोल कर पाया क्या? कंट्रोल किया या डरते हैं? कंट्रोल किया, कंट्रोल किया, नहीं डरते ना, तो डरते हैं ना, तो कंट्रोल नहीं किया ना, है? डरते हैं। इसका मतलब यह है कि प्रकृति को पूरा कंट्रोल प्रकृतिपति ही करेगा। कोई भी गर मनुष्य प्रकृति को कंट्रोल नहीं कर सकता। प्रकृतिपति जब चाहेगा तो जिन जिन के जो जो आत्माएं प्रकृतिपति से पढ़ाई पढ़ेगी उनके अंदर में प्रकृति चलेगी, नहीं तो प्रकृति को कोई कंट्रोल पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता। और बीके में सही भी दिया भगवान का सेवक करके ऐसे सही जाग गए तो फला भी मिलेगा। बीके में सेवा किया, भगवान सेवा करके सोच के ऐसा किया उसका फला भी मिलेगा। उसको वेद आदि गुरुओं को जो कुछ देते हैं, तन देते हैं, धन देते हैं, मन देते हैं, तो एक जन्म के लिए तो मिलता है ना रिटर्न, 21 जन्म के लिए उन देहदारियों से नहीं मिल सकता। तो वहां जो कुछ भी करने वाले कर रहे हैं उनका रिटर्न उनको ये मिलेगा कि उन्हें भगवान मिल जाएगा एक जन्म, भगवान से ज्ञान मिल जाएगा और ज्ञान से उनकी सदगति हो जाएगी। तो ठीक ही काम हो रहा है या गलत हो रहा है? ठीक हो रहा है। धाम बन गया है? अरे कितना अभी तक कितना हो गया?
अभी तक कितना आत्मा बढ़ते गया था अभी तक। वो भक्ति तो 7 दिन की है, लेकिन असली भक्ति तो परमधाम की अवस्था में होगी। पंद्रह हजार के बाद में आपने भक्ति के बारे बोला था, उससे क्या साबित होना करना चाहते? मालूम होना चाहिए। नहीं, उससे फायदा क्या है? कोई नहीं, बस इतना फायदा है कि हम बाप के बच्चे बने, बाप के घर में हमने जाके जन्म लिया। अभी तक कितना बच्चे लिए? उसमें जितने पैदा होते हैं उससे उसमें कितने तो मर जाते हैं। और अभी तो रुद्रमाला की बात ही चल रही है, और आगे चल के विजयमाला के भी भांति निकलेंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों मिलकर के माला के मणके बनेंगे या एक ही वंश के बनेंगे? तो अभी तो जो पैदा होते जा रहे हैं उनमें ढेर के ढेर मरते भी जा रहे हैं। पैदा होते होते पेट में ही मर पड़ते हैं, तीसरी मंजिल से छलांग लगा के खेल करा। दुनिया में भी ऐसे होता है ना कि बच्चा पेट में ही मर पड़ता है, पैदा भी नहीं हो पाता। तो 16,000 की लिस्ट सिर्फ निश्चय पत्र लिखने से ही नहीं हो जाती है, निश्चय पत्र लिखने के बाद काबिज भी बना रहे। तो ये पूछिए कि भट्टी करने के बाद जिंदा कितने बचे? फरवरी क्या कह रहे हैं? हाँ बोलो वो कंप्लीट पुराना मकान है ना। हाँ वो सोचे थे नया मकान बनने का। हाँ है, ठीक है। आगे दिनों में बैठी कहाँ? मधुबन में या दिल्ली में? कहीं तो होगी, आपको क्या चिंता है? बाप को बच्चे पैदा करने होंगे तो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह से होंगे, काम बंद तो नहीं होगा। वो आदमी के पास 30,000 आत्मा है दिल्ली में, वो आत्मा का भर्ती करना पड़ेगा या कहाँ पर भर्ती करने का पड़ेगा? वो तो निश्चय पत्र जब जाएगा तब देखा जाएगा। निश्चय पत्र पूरा हो गया तो भर्ती भी पूरी हो गई। और आगे बोलो पता ही बोलो ठीक है। जैसे शरीर में 16,000 नसें नाड़ियां हैं, उनमें 8,000
शुद्ध खून बहाने वाली है और 8000 काला खून बहाने वाली है, अशुद्ध खून, अशुद्ध खून हृदय की तरफ दौड़ता है और जो हृदय खून को शुद्ध करता है वो शरीर की ओर दौड़ता है। तो शरीर की ओर जो शुद्ध खून बहने वाली बहाने वाली नसें हैं वो भी 8000 और अशुद्ध खून बहाने वाली नसें हैं वो भी 8000। तो ये नसें नाड़ियां कौन सी हैं? रुद्रमाला और विजयमाला। रुद्रमाला है, रुद्रमाला है रौद्र रूप धारण करने वालों की माला। विकराल रूप धारण करते हैं तो दुनिया का विनाश हो जाता है। और जो विजयमाला शुद्ध खून बहाने वाली है वो सौम्य रूप धारण करती है तो नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। जो स्थापना करते हैं वो पालना के भी निमित्त बनते हैं। प्योरिटी से होती है स्थापना और इम्प्योरिटी से होता है विनाश। प्योरिटी से बनती है यूनिटी और इम्प्योरिटी से होती है डिस यूनिटी। अभी ये खेल सामने आने वाला है। ये आत्माएं जिनके लिए बोला है कि आधे पाप आत्मा बचेंगे और आधे पुण्य आत्मा बचेंगे, शुद्ध खून बहाने वाले और अशुद्ध खून बहाने वाले, ये सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे। कपड़ा तीन रंग का कपड़ा झंडा आंध्रा वाला बनाया, उसके बारे में आंध्रा वालों ने बनाया। अच्छा, शिव बाबा ने तीन रंग का कपड़ा नहीं बनाया? कपड़ा झंडा कैसे नहीं, कपड़ा झंडा नहीं। अच्छा अच्छा, हाँ जी बाबा, माता जी की बात पूरी हो दो। हाँ जी, आंध्रा वालों ने तीन रंग का कपड़ा बनाया, झंडा कपड़ा झंडा बनाया। हाँ, इसके बारे में बताएंगे। अब बनाया आंध्रा वालों ने तो आंध्रा वाले ही बताएंगे ना। है, हाँ जी बाबा। हाँ, बोला कि मान रहा हूँ मैं, जहाँ सभी आत्माएं आत्मिक दृष्टि में स्थित होने वाली इकट्ठी होगी, सब कहेंगे परम धाम को सृष्टि पर उतार लिया। हाँ जी, परम धाम माउंट आबू ही रहेगा, जो मतलब बात कहा गया कि हम आत्माएं परम धाम को सृष्टि पर उतार लेंगे। हाँ जी, तो जगह माउंट आबू ही होगा। आबू अब्बा का घर कौन सा है? तो जो आबू अब्बा का घर है वहाँ आत्माओं को पहुँचना नहीं होगा, और आत्माएं कौन कही जा देंगी? संपूर्ण आत्माएं कौन कही जाएंगी और खंडित आत्माएं कौन सी कही जाएंगी? ऐसे तो आत्मा अविनाशी है, लेकिन कोई आत्माएं ऑलराउंड पार्ट बजाती है और कोई आत्माएं खंडित पार्ट बजाती है, पूरे 84 जन्म का पार्ट नहीं बजाती। तो जो आत्माएं होंगे माने पूरे 84 जन्म लेने वाले होंगे, अखंड आत्म की स्थिति का पाठ बजाने वाले होंगे, वो जाकर के माउंट आबू में इकट्ठे होंगे।
परमधाम का मतलब तो बाबा सभी आत्माएं हो गया ना इकट्ठा, उन बीज रूप आत्मा में सारी दुनिया समाई हुई है। बीज से ही वृक्ष पैदा होता है। एक एक सितारे में जैसे सारी दुनिया समाई हुई है, ये हिसाब है। साढ़े चार लाख आत्मा इकट्ठा होगा। हाँ जी, साढ़े चार लाख आत्माओं में जो जन्म लेने वाले साढ़े चार लाख हैं, वो नहीं होंगे क्या? प्रवेश करने वाले भी होंगे, तो नौ लाख हुए ना। कितने सितारे गाए हुए हैं? नौ लाख सितारे गाए हुए हैं। वो जड़ सितारे हैं, ये चैतन्य सितारे हैं। तो सुखधाम का रूप पहले छोटा होगा कि बड़ा होगा? शांति धाम का रूप बड़ा होगा या उस समय सुखधाम का रूप बड़ा होगा? शांति धाम का रूप बड़ा होगा, क्योंकि वहां आत्माओं की पॉपुलेशन ज्यादा होगी, और शांति धाम में तो बहुत थोड़े होंगे। लेकिन दोनों साथ साथ खुलेगा ना गेट? खुलेगा साथ साथ। लेकिन माता जी का कहना है कि जब सुखधाम शांति धाम साथ साथ खुलेगा गेट, तो आधे आधे होने चाहिए, लेकिन ऐसा तो हो ना सके। 500-700 करोड़ मनुष्यों की दुनिया, तो सुखधाम का जब गेट खुलेगा तो वहां छोटी दुनिया होगी, थोड़े लोग होंगे। बाबा जो आत्माएं पवित्र बन चुके होंगे, वो आत्माएं क्या डायरेक्टली सुखधाम जाएंगे? डायरेक्ट सुखधाम कोई नहीं जाते, वाया शांति धाम ही सबको जाना पड़े। भले मन बुद्धि की तेज से भले जाए, लेकिन जाना पड़ेगा। बाबा भी बोले ना कि याद करते करते आत्मा शरीर से निकल जाएगी। हाँ जी, शरीर का भान छूट जाएगा। देह है नहीं है जैसे बराबर हो गया, आंख होते हुए भी जैसे नहीं देख रही है, कान होते हुए भी जैसे नहीं सुन रहे हैं, ऐसी स्टेज बन जाए। जैसे अभी कोई निंदा करता है तो आत्मा तलखीली बन जाती है, क्रोध आ जाता है, तो कहेंगे कि सुनते हुए नहीं सुना, मैंने कान में देह भान भरा हुआ है। तो जो दसों इंद्रियां हैं वो देह भान से परे हो जाए, उसको कहेंगे निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा। अरे बाबा, 63 जन्मों का हिसाब के बाद पूरा सुस्त हो जाएगा। हाँ, सुनने से पहले स्थिति अनुभव, जब तक संसार 63 जन्मों के भस्म नहीं हुए तब तक निरंतर शांति धाम की स्टेज का अनुभव नहीं हो सकता। जब पाप कर्म भस्म हो जाते हैं तो आत्मा ऐसी स्टेज में टिक जाएगी। एक तरफ बोलते हैं फाउंडेशन में डालने वाला पत्थर तो कोई नहीं जानते, एक बाप भी जानते हैं, और नौ लाख आत्माओं कयामत के समय उसी के सितारे जैसा चमकने वाले, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कैसे? तो विनाश के टाइम की बात बताई, जब विनाश होगा सारी सृष्टि पर हाहाकार मचेगा,
उस समय की बात बताई कि 9 लाख सितारे चारों ओर ज्ञान की चमक मार रहे होंगे, उनका मान मर्तबा बहुत बढ़ जाएगा, लोग समझेंगे कि सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के। तो जो फाउंडेशन पड़ रहा है नई दुनिया का, वो तो मकान को जब फाउंडेशन खोदा जाता है तो उसमें अंदर की ओर पत्थर डाले जाते हैं और मजबूत पत्थर डाले जाते हैं, वो देखने में नहीं आते। नई दुनिया का मकान जब बन जाएगा तो ऊपर के कंगूरे देखने में आवेंगे, ऊपरी हिस्सा देखने में आवेगा, लेकिन फाउंडेशन देखने में नहीं आता है। वो ही जानेंगे जो फाउंडेशन के भांति होंगे। तुम बच्चे हो अननोन वॉरियर्स बट वेरी लो वेरी वेल नोन वॉरियर्स, ऐसे मुरली में बोला है। अंडरग्राउंड मिलिट्री है तुम्हारी, पहले नंबर वार लक्ष्मी नारायण नहीं, लक्ष्मी नारायण तो एक ही होंगे, बाकी यथा राजा तथा प्रजा सब लक्ष्मी नारायण जैसे होंगे। तो पहला युगल बच्चा जन्म लेगा और उसके बाद जो 4.5 लाख बच्चे जन्म लेंगे वो 18 वर्ष के अंदर वो पैदाइश होगी। तो हाँ जी कहना क्या चाहते हैं? मैंने पहले वो लक्ष्मी नारायण जन्म देते हैं ना, और दूसरा मेरे देने के लिए वो टाइम लंबा होते हैं। लंबा क्या, वो 18 वर्ष के अंदर का ही टाइम होगा। आत्माएं जब फाउंडेशन पड़ेगा नई दुनिया का तो पहले धीरे धीरे उतरेंगी और बाद में तेजी से उतरेंगी। जन्म देने वाले भी उतरेंगे और जन्म लेने वाले भी उतरते रहेंगे। बौद्ध धर्म के लोग जो है वो महात्मा बुद्ध से, महात्मा बुद्ध को ही भगवान मानते हैं। उसको ही आदि पुरुष कहते हैं। आर्य समाज भी मानते हैं, जब सन्यासी भी मानते हैं आदि पुरुष को, आदि नारायण को मानते हैं। आदि नारायण मानते हैं, क्या करते हैं? आदम हवा मुसलमान थे, मुस्लिम वो लोग क्या करते हैं? कौन लोग? आदम हवा ने वो लोग क्या करते हैं? कौन लोग? सन्यासी लोग सन्यासी लोग आदि नारायण कहते हैं ना। आर्य समाज जी
और समाज भी मानते हैं कि जब नई सृष्टि उत्पन्न हुई तो पहाड़ों की गुफाओं में से युगल निकल पड़े। नाम क्या है? वो इतना नहीं जानते, वो तो देवताओं को मानते ही नहीं। बौद्ध लोग आत्मा परमात्मा का जिक्र ही नहीं करते। सिख लोग मानते हैं, शक्ति है राम सीता, राम सीता को भी मानते हैं। सन्यासी को युगल नहीं है तो वो दोनों फायदा हुआ है कैसा? लक्ष्मीनारायण सन्यासी लोग में, सन्यासी लोगों को युगल नहीं है। क्या होगा क्या पूछना चाहते हैं विजय लक्ष्मी माता? बताओ हर धर्म वाले मानते हैं, सन्यासी लोग शंकराचार्य को भी सब कुछ मानते हैं। उसका कहना है कि शंकराचार्य का जन्म देने वाली जो माँ थी वो माँ भी वर्ल्ड मदर है, देवी की पूजा करते हैं और वो आदि शंकराचार्य को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। लक्ष्मी नारायण को मानते हैं। माता जी पूछ रहे हैं शंकराचार्य की युगल नहीं है लेकिन माँ तो है। प्रत्यक्ष होगा तो सुविधा और शांति धाम का गेट खुलेंगे बुला ना। शिव की गीता से एक सेकंड में नरक से स्वर्ग बन जाता है, ब्रह्मा सो विष्णु बन जाता है एक सेकंड में, और कृष्ण की गीता से हजारों वर्ष में स्वर्ग की दुनिया क्या बन जाती है? नरक बन जाती है। 2000 वर्ष में दुनिया नरक बन जाती है कृष्ण की गीता से, और शिव की गीता से स्वर्ग बन जाती है। तो वो गीता कौन सी हुई जिससे स्वर्ग बनता है? जिस गीता के लिए बोला है कि विजय माला का आवाहन करो, पैंतीस साल अठारह साल कब पूरे होते हैं? 66 ईयर्स कब पूरे होते हैं?
मूर्ति का पाठ 2000 दूसरी मूर्ति का पाठ क्यों शंकर का पाठ तो 2004 में ही पूरा हो जाना चाहिए। चारों युगों की शूटिंग पूरी हुई माना उनका कार्यकाल पूरा हुआ। अब तो अंतराल का टाइम चल रहा है जैसे ब्रह्मा के लिए चल रहा था। ब्रह्मा की पहली मूर्ति शरीर छोड़ने के बाद 7-8 साल का अंतराल का टाइम चला ना। ऐसे ही तीसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने के लिए अंतराल का टाइम चलता है। मूर्ति तो अपना काम करने लगी जब से अगस्तवाणी में बोला हुआ है तभी से साबित हो गया कि अफ्रीका ने जो अच्छी जो सर्विस करनी चाहिए वो अफ्रीका ने शुरू की है। अफ्रीका वालों ने जो सर्विस करनी चाहिए वो अब शुरू की है और दुनिया में इतने ब्रह्मा कुमारी आश्रम है किसी ने नहीं शुरू की। तो तीसरी मूर्ति का काम तो चालू है लेकिन अभी रंगमंच पर क्लियर नहीं है। और Thank you.